करना चाहते हैं, एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। 75 दिन से राजस्थान के नेतृत्वहीन चल रही बीजेपी प्रदेश जो कमेटी, वो कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से फुलफिल हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने हाल ही में निर्विरोध राज्यसभा सांसद बनाए गए मदन लाल सैनी को बीजेपी अध्यक्ष, राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष का ताज पहना दिया है। 75 दिनों से राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष के रूप में कोई भी नहीं था। कयास लगाए जा रहे थे जो कि गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान का अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन अध्यक्ष नहीं, वो तो नहीं बने, लेकिन मदन लाल सैनी को जो है राजस्थान का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन सवाल ये है कि जो रस्साकसी चल रही थी अमित शाह और वसुंधरा राजे के बीच अपने अपने मनपसंद अध्यक्ष बनाने को लेकर के जो खींचातान चल रही थी, आखिरकार इसमें किस व्यक्ति ने किसको हरा दिया, किसकी पसंद का बन गया मदन लाल सैनी, किसके पसंद के हैं जो राजस्थान बीजेपी का नेतृत्व करेंगे, इसमें किस नेता की हार हुई है, चाहे वो अमित शाह हो या वसुंधरा राजे। क्या वसुंधरा राजे ने पटकनी दे दी है अमित शाह को, क्योंकि अमित शाह भी जिद पर अड़े हुए थे कि गजेंद्र सिंह शेखावत को बनाया जाए, लेकिन वसुंधरा राजे ने साबित कर दिया है कि राजस्थान की बीजेपी आला कमान में सिर्फ वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स करने वाली एक महिला के रूप में है और उनके सिवा कोई भी आसपास भी नहीं है। यानी कि आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से वसुंधरा राजे ने कहा था कि गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान का बीजेपी अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि राजपूत जो कमेटी है, जो राजपूत जो समाज है, वो बिफर जाएगा। अब ये देखने को ये मिल रहा है कि अमित शाह की जिद थी कि गजेंद्र सिंह शेखावत को बनाया जाए, लेकिन अमित शाह की एक भी नहीं चली। उन्होंने, वसुंधरा राजे ने ये साबित कर दिया है कि वो अमित शाह की भी कई अलग कि अमित शाह की भी पॉलिटिकल मामले में गुरु हैं। आपको बताना, एक खबर ये भी समझ में आई होगी कि वसुंधरा राजे ने जिस तरीके से आला कमान से मांग की थी कि उनकी ही पसंद का कहीं ना कहीं अध्यक्ष बनना चाहिए, लेकिन मदन लाल सैनी के ऊपर जो ताज बन गया है उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि राजस्थान के नेतृत्व, क्या मदन लाल सैनी अब पूरी तरीके से तैयार है राजस्थान का फतेह करने, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और विधानसभा चुनाव को देखते हुए मदन लाल सैनी को के लिए बहुत बड़ी चुनौती है राजस्थान में कि वो बीजेपी को किस तरीके से फतेह करवाते हैं। और इसीलिए मदन लाल सैनी को किस, क्योंकि वो राज्यसभा सांसद भी हैं और राज्यसभा सांसद होने के नाते मदन लाल सैनी जो बहुत अच्छी पकड़ भी रखते हैं राजस्थान के अंदर, और बीजेपी का जो है नेतृत्व क्षमता जो है राजस्थान में वो घटती हुई चली जा रही थी, उससे फुलफिल करने के लिए मदन लाल सैनी को कहीं ना कहीं एक नेतृत्व क्षमता सौंपी जा रही है कि अब वो बीजेपी की नैया किस तरीके से, अब पूरी टक्कर सचिन पायलट से है मदन लाल सैनी की। अब सवाल ये है कि हालांकि अपनी लड़ाई में, यानी कि अपने मन के मुताबिक लड़ाई में वसुंधरा राजे ने क्या अमित शाह को पटकनी दे दी है, क्या उन्होंने साबित कर दिया है कि नेतृत्व क्षमता और पॉलिटिकल मामले में, राजनीति में वो अमित शाह की भी गुरु है। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, रिपोर्ट के जरिए समझ में आ जाएगा आपको कि आखिर कौन किसका गुरु है। करीब 75 दिन से नेतृत्वहीन चल रही राजस्थान बीजेपी को आखिरकार अध्यक्ष मिल ही गया। बीजेपी ने हाल ही में निर्विरोध राज्यसभा सांसद बनाए गए मदन लाल सैनी को नया अध्यक्ष बनाया है। अगले हफ्ते के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर जा रहे हैं, ऐसे में
पीएम के दौरे के महज 7 दिन पहले 75 साल के मदन लाल सैनी की नियुक्ति ने बीजेपी से बाहर ही नहीं बल्कि पार्टी के अंदर भी बहुत लोगों को चौंका दिया है। 16 अप्रैल को वसुंधरा राजे के यसमैन कहे जाने वाले अशोक परनामी ने पद छोड़ दिया था, लेकिन नए अध्यक्ष के नाम पर ऐसी खींचतान मची कि मामला उलझता ही चला गया। इस महीने एक बार फिर सरगर्मियां तेज हुई। जयपुर से लेकर दिल्ली तक और संगठन से लेकर सरकार तक हर कहीं अध्यक्ष को लेकर अपने अपने गुणाभाग जोड़ घटाए जाने लगे। अब जानकर लोग इस थ्योरी को सुलझाने में लगे हैं कि अचानक मदन लाल सैनी का नाम कैसे लाइमलाइट में आ गया। सैनी को सेनापति बनने से आखिर जीत किसकी हुई, वसुंधरा राजे की या फिर केंद्रीय नेतृत्व की या फिर अमित शाह की? अप्रैल में परनामी को हटाकर अमित शाह ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को कमान सौंपने का फरमान लगभग जारी कर दिया था। युवा अध्यक्ष के पीछे केंद्रीय नेतृत्व 15-20 साल आगे तक की योजना पर काम कर रहा था। इसके अलावा असली कोशिश विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे में वसुंधरा राजे को कंट्रोल करना भी था। शाह के लिए महारानी पर लगाम कसना क्यों जरूरी हो गया होगा, ये कुछ मंत्रियों के उन बयानों से समझा जा सकता है जिनमें बार बार कहा जाता था कि राजस्थान में बीजेपी का मतलब वसुंधरा राजे के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया ने अमित शाह को चेक एंड मेट कर दिखा दिया है कि राजनीति के शतरंज में वे शाह से कम सातिर नहीं है। वे शाह की चाल को फौरन भांप गई और उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत का पुरजोर विरोध किया। तमाम दांव पे चलकर ये सुनिश्चित कर दिया कि कम से कम शेखावत को प्रदेश अध्यक्ष न ही बने। शेखावत का विरोध करने के लिए उन्होंने पहले जाति का मुद्दा उठाया, कहा कि राजपूत की नियुक्ति होने से जाट नाराज हो जाएंगे। जब शाह की तरफ से यह कहा गया कि जाट भैरव सिंह शेखावत से नाराज नहीं हुए तो पहली बार सांसद और मंत्री बने गजेंद्र सिंह शेखावत से क्यों नाराज होंगे? जब इससे बात नहीं बनती नजर आई और केंद्रीय नेतृत्व शेखावत के नाम पर अड़ा रहा तो वसुंधरा खेमे में कई मंत्रियों विधायकों नेताओं जिसमें जाट सैनी और राजपूत भी शामिल थे दिल्ली में डेरा डाल दिया। राष्ट्रीय महासचिव रामलाल से लेकर राजस्थान प्रभारी अविनाश राय खन्ना और सह प्रभारी वी सतीश के साथ बैठकों का दौर चलता रहा। गतिरोध इससे भी टूटता नजर नहीं आया और हाल ये हुआ कि अमित शाह और वसुंधरा राजे की जंग में कहीं ना कहीं अमित शाह हार गए। अप्रैल में कहीं ना कहीं परनामी को बीजेपी अध्यक्ष से हटा करके गजेंद्र सिंह शेखावत की का नाम आगे बढ़ाया था अमित शाह ने, और इसके बाद जो वसुंधरा राजे गुट है वो पूरी तरीके से सक्रिय हो गया था कि गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान का अध्यक्ष नहीं बनने दिया जाएगा क्योंकि राजपूत समाज है वो पूरी तरीके से बिफर जाएगा और शेखावत भी कहीं ना कहीं इसी समुदाय से आते हैं। और शेखावत को के मनपसंद, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी भी शेखावत को पसंद करते थे राजस्थान का अध्यक्ष बनने के लिए, लेकिन वसुंधरा राजे ने किसी की नहीं चलने दी और अपनी मर्जी से कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी बात मनवा ली और साबित कर दिया है कि राजनीति में, मतलब कि राजस्थान में वो सबकी बाप है, यानी कि पूरी तरीके से सबकी माँ बनकर बैठी हुई हैं। और अब ये देखने को मिल रहा है कि अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी चुनौती भी है कि कांग्रेस से पूरी सीधी सीधी टक्कर है। कांग्रेस को क्या हराने में बीजेपी जो आला कमान है, चाहे वो मदन लाल सैनी किस तरीके की रणनीति जो है अपनाएंगे, जो बीजेपी कांग्रेस से सीधी टक्कर है। सचिन पायलट पूरी तरीके से सक्रिय हैं और उनको ये भी देखा गया है कि सचिन पायलट पूरी तरीके से राजस्थान को एक झंडा बुलंद कर दिया है। उन्होंने वसुंधरा राजे को घेरते हुए हमेशा नजर आ जाते हैं, उन पर आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गया है। अब 2019 से पहले राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि उनके झोली में कौन से पार्टी का मुख्यमंत्री आता है, या वसुंधरा राजे फिर से रिपीट होंगी या फिर कांग्रेस में का कोई मुख्यमंत्री बनेगा। ये बहुत बड़ी वजह है, लेकिन शाह और वसुंधरा के इस खेल में वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे ने अमित शाह को
कहीं ना कहीं एक संदेश भी दे दिया है इस जरिए कि राजस्थान में सिर्फ उन्हीं की चलती है और वही जो कहेंगी वही होगा। मदन लाल सैनी के लिए चुनौती है कि राजस्थान में कांग्रेस को किस तरीके से पटकनी देनी है, क्योंकि सचिन पायलट पूरी तरीके से राजस्थान की एक एक गली को खाक छानी है उन्होंने और सभी को अपनी फेवर में लेने की पूरी कोशिश की है। वोट बैंक अर्जित करने के लिए खुली चुनौती दे दी है सचिन पायलट ने कि अब उनके सिवा कांग्रेस जीतेगी अगले विधानसभा चुनाव में। और अब चुनौती और प्लानिंग के साथ, चुनौती के साथ अब बीजेपी को पूरी तरीके से सक्रिय होना पड़ेगा कि किस तरीके से वो राजस्थान के पॉलिटिकल यानी राजनीति में किस तरीके से अपनी चाबी को घुमाती हैं वो। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।